फातिमा भुट्टो की शादी को मुखालफत का सामना निका के बाद दुल्हा दुल्हन जो है वो कहाँ पर गायब हो गए हैं मंदिर में जाने की क्या हकीकत है मंदिर में क्यों गए और आ, आ, किसने मंदिर बुलाया था जहां पर जो है वो पूजा पाठ कि दिस इज दिस इज आर टाइम दिस इज आर हिंदू टाइम हिंदुस्तान हिंदू टाइम इज देयर यस प्रूव तो जब हम स्कूल जाते थे तो सबसे पहली चीज जो मुझे सिखाई गई थी मुझे आई आई स्टिल रिमेम्बर कि भारत हमारा दुश्मन है और दूसरा उसमें ये मैं बताना चाहूंगा आप अभी तक ग्रो अप ही नहीं हुए जय हिंद दोस्तों दोस्तों पाकिस्तान से कुछ ऐसी खबर निकल कर आ रही है जो बाकई चौका देने वाली है क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ कितना अभद्र व्यवहार किया जाता है उनके साथ मारपीट की जाती है और जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है लेकिन आज पाकिस्तान से कुछ ऐसी खबर निकल कर आई है जो की बाकी में ये सोचने पर मजबूर कर देती है की क्या ये बाकई एक कट्टर इस्लामिक देश पाकिस्तान है या फिर कोई और दूसरा देश है कहा जा रहा है कि वो दार इस्लाम में आ चुके हैं लेकिन फिर मंदिर में जाने का क्या मतलब लोगों ने जी एक तस्वीर को सोशल मीडिया पर जो गर्दिश कर रही है मैंने जो है आपको दिखाई भी है ये तस्वीर गौर से देखें जहाँ पर फातिमा भुट्टो जो है ग्राहम और जुल्फ़िकार भुट्टू जूनियर की ये तीनों जो हैं वो हिंदू मंदिर में जाते हैं जहाँ पर ये लोग पूजा कर रहे हैं मुझे तो नहीं पता कि उनके रीति रिवाज क्या है लेकिन जो मैंने देखा है जो मैंने अपने दोस्तों से समझा है कि वो वहाँ पर जो है वो पूजा कर रहे हैं जैसे उनके जो, 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 जो जो वहाँ पर मंदिर में मौजूद होते हैं मेरे ख्याल में पुजारी कहते हैं जो पुजारी उनको बता रहे हैं पुजारी साहब वो वैसा कर रहे हैं और वो वहाँ पर जो है वो दूध वगैरह जो है वो जो भी एग्जैक्टली मेरे पास सेम मतलब वर्ड्स नहीं है मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि मेरे बहुत सारे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स भी जो है वो देख रहे होते हैं और आप लोग भी फॉलो कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जी मंदिर जाते हैं वहाँ पर जाके जो है वो पूजा कर रहे हैं मंदिर में और इनकी ये तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पे इस वक्त मौजूद है ये सारी तस्वीरें जो है उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ऐसी अब दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावर भुट्टो की चचेरी बहन फातिमा भुट्टो की एक पोस्ट सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है जिसमें वो अपने पति के साथ कराची के ऐतिहासिक हिंदू मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक करते हुए दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तान के राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाली सामाजिक कार्यकर्ता फातिमा भुट्टो की शुक्रवार को शादी हुई है और शादी के तुरंत बाद वह अपने पति के साथ कराची के शिव मंदिर पहुँची और पहुंचने के बाद फातिमा भुट्टो ने पूरी श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव की आराधना और पूजा अर्चना की आपको बता दें कि फातिमा पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री अली की पोती हैं और आज से कुछ समय पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावर भुट्टो की भी कुछ ऐसी फोटो सोशल मीडिया आरोप वायरल हुई थी जिसमे वो भगवान शिव के ऊपर दूध अर्पण करते हुए उनकी पूजा करते हुए दिखाई दे रहे थे इन फोटोज को लेकर बिलावर भुट्टो और उनका परिवार न केवल चर्ची में आ चुका है बल्कि जो कट्टर मुस्लिम है उनका तो यहाँ पर कहना है की मुस्लिम होने के नाते हिंदू मंदिर में जाने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई क्योंकि तुम्हारा केवल और केवल एक ही धर्म है और वो है इस्लाम धर्म और तुम्हें इसे ही स्वीकार करना होगा हालांकि फातिमा भुट्टो और बिलावर भुट्टो की कुछ लोग यहाँ पर तारीफ भी कर रहे हैं लेकिन ज्यादातर लोग उनको गालियाँ ही दे रहे हैं

हम यहाँ पे रहते हैं बहुत सारी बातें हम सुनते हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी फिर प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम लोग आते हैं सुनते हैं पढ़ाया भी जाता है जी ये है फ्ला क्या मसला है हमें कि अपने रिलीजन के अलावा या अपने लोगों के अलावा हम ये समझते हैं कि शायद अगला या गलत है या उसको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं या डिग्रेड करते हैं ये माइंड क्यों है हम लोगों का हालांकि एजुकेशन भी बहुत ज्यादा हो गई है और रिलीजन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इस्लाम में ये बार बार बताया जाता है कि दूसरे के साथ आप अच्छा बिहेवियर रखोगे ये बार बार हमें ताक़ीद की जाती है लेकिन इसके बावजूद हम लगे हुए होते हैं लोगों को बुरा भला कहना लोगों को नीचा दिखाना वजह क्या है कि हम इस लेवल पे है बजाय इसके कि हमें ऊपर उठना चाहिए था हम नीचे की तरफ जा रहे हैं फकीर सब इस बात पे तो जो मेरे वो जो राय है ना कि आप कह रहे हैं कि वजह क्या है तो वजह तो बहुत ही सादा है और बहुत ही सिंपल है कि एक इंसान को एक माशरे को आप सत्तर सालों से एक चीज़ सिखाते हैं और उसको सिलेबस में पढ़ाते हैं और उसको टीवी पे दिखाते हैं उसको अखबार में पढ़ाते हैं उसको हर जगह ही और इसी माइंड सेट के उस्ताद देते हैं आप उनको तो वो क्या सीखेंगे तो जब हम स्कूल जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे सिखाई गई थी मुझे आई स्टिल रिमेंबर के भारत हमारा दुश्मन है सबसे तो इसमें रिलीजन इज नॉट मेरा नहीं ख्याल मजहब का एक वो दूसरी बात है सबसे पहले जो हमें माइंड वॉश किया जाता है इंडिया हमारा दुश्मन है कश्मीर के मामले पे आपको अंदाजा होगा कि ये चीज़ हमें सिखाई जाती है और आप यकीन माने मेरे बच्चे स्कूल से आके सबसे पहली बात उन्होंने भी ये कहा हालांकि मैंने उनको घर पर ये नहीं सिखाया था तो मेरे बच्चों ने आके ये कहा था कि इंडिया की कोई बात हो तो क्योंकि वो तो हमारे दुश्मन है मैंने उनको समझाया था मैंने बात की मैंने कहा कौन कहता है तो अब ये टीचर्स Uh, mm -hmm. हमारे आसपास के बच्चे तो एक माइंड सेट है तो जब हमें जो पढ़ाया जाएगा मुताले पाकिस्तान के हम लोग डसेवर लोग हैं तो उसमें कोई एक चीज मुझे बता दें जिसमें हमें पूरे सिलेबस में ऑन अ सीरियस नोट कि जिसपे हमें बताया जाता हो कि आपने mm -hmm. सोचना है सवाल करना है या फिर हमें बताया जाता है जहाँ है ना आपने नफरत करनी है वो mm -hmm. मजहब नहीं देख लें आप एक से दूसरा होगा तो शिया सुन्नी इतनी नफरत है ऑन द पीक मैं जंग साइड से हूँ और हमने जो देखा है मैंने मेरे बचपन में बहुत कुछ देखा है 90's में आपको तो उसकी मैं मतलब जो समझ बिटनेस शिया सुन्नी की नफरत और इवन के देवबंदी बरेलवी की उसके अलावा सिंधी पंजाबी की और पठान पंजाबी की इतनी नफरतें हैं ना फखर साहब हर 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 स्टेप में नफरत सिखाई जाती है इवन हमारा सोसाइटी ऐसे कि हमें बचपन से ही रिश्तों में भी नफरतें बताई जाती है एक लेवल ही नहीं है कि आप क्रिटिकली कुछ चीजों को सोचेंगे वो तो बात के बहुत बहुत ही बड़ा लेवल क्या है कि हम इंडिया को एक्सेप्ट करें हम दूसरे मजाहब को मज़ाहब को या फिर ये तो बहुत ही मतलब अनरियल सी चीज लगती है मुझे तो सॉरी टू से हमारे माशरे के लिए मैं नहीं समझती कि इसका कोई एक वजह है इसकी बहुत इसके पीछे बड़ी मेहनत है बड़े सालों की मेहनत है तो वो मेरे ख्याल में रंग ला रही है बहुत सही आपने बात की कि इसके पीछे बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त तो और मैं 100 परसेंट एग्री हूँ कि 75 फाइव ईयर्स की हमारी मेहनत है इस सोसाइटी को मुख्तलिफ तरीकों से जैसे कहते हैं कि पानी दिया गया इन पौधों को आपने और... पाले हैं भाई सॉरी टू इंटरव्यू आपने पूरी एक खेप पाली है आपने वो पाले हैं कि जिन्होंने इधर आपने उस्ताद हमें वो दिए हैं मुताला पाकिस्तान के मारे हुए डसे हुए जिन yes. जिनको सच कुछ और बात करेंगे तो वहाँ वहीं पे आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा फतवा yes. देंगे मौलवी फतवे देंगे हम क्यों बोलेंगे भाई yes. जान प्यारी तो हम क्यों सवाल करेंगे मैं बोलूंगी आप बोलेंगे अगर yes. जिस बात में आके तो हमारे घर वाले हमें रोकेंगे कि नहीं हमारा फकत थोड़ा सा सोच के yes. बोलना जान को खतरा है तो वह ऐसे माहौल में मैं तो नहीं समझती कि कोई ये कोई अनयूजअल बात है नफरतें करें और आप यहाँ से मोहब्बतें समेटें अच्छा, आम, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है अमारा ये नहीं है कि हम लोगों ने सोसाइटी के अंदर जो आप डिवाइड की बात कर रही इसमें कोई शक नहीं है सुनी को लगता है, है उसमें जी बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल हाँ ये बड़ा है ये बड़ी बरादरी से इसका ताल्लुक है इसकी छोटी बरादरी से ये खान है